वर्ल्ड नो टम्बैको डे। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इस दिन की शुरुआत क्यों और किस मकसद से हुई थी। आज प्रकाश देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का, मैं शीना एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम WHO द्वारा 1987 में सभी संगठन के सामने एक प्रस्ताव जो पारित किया गया था, जिसमें 7 अप्रैल 1988 को वर्ल्ड नो टम्बैको डे के रूप में जो दिन मनाया जाता है, इस दिवस के रूप में सभी लोगों को 24 घंटे के लिए तंबाकू का उपयोग ना करने को रोका गया था। कुछ समय बाद इस दिवस का दिन बदल दिया गया था, जो कि अब 31 मई को मनाया जाता है, जो वर्ल्ड नो टम्बैको डे से जाना जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि तंबाकू में ऐसे कौन से जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। फेफड़ों से संबंधित अधिकांश बीमारी केवल तंबाकू की वजह से होती है, क्योंकि इसमें निकोटीन के साथ साथ अन्य 60 तरह के टॉक्सिस एलिमेंट पाए जाते हैं, जो कि हमारे फेफड़ों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ने की क्षमता को कम कर देता है, और ऐसे में कुछ समय बाद ही ये एक कैंसर जैसी गंदी बीमारी का रूप बदल लेता है। मनुष्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तंबाकू में निकोटीन की मात्रा अधिक होने से जब व्यक्ति इसका सेवन करता है तो उसे अलग सा ही आनंद महसूस होने लगता है, और बार बार जब व्यक्ति इसका आनंद लेने के लिए इसका सेवन बार बार करने लग जाता है तो इसका व्यक्ति के शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ जाता है। एक हिसाब से तो मनुष्य इसकी लत में लग जाता है। फिर तंबाकू में पाए जाने वाला जहरीला पदार्थ धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और अनेक बीमारियों को जन्म देता है। अब ये जानते हैं कि तंबाकू के अधिक सेवन से जो हमारे शरीर पर प्रभाव है वो कैसे हो सकते हैं। इसके प्रभाव जैसे कि कैंसर, स्ट्रोक, डायबिटीज, दिल की बीमारी और तंबाकू चबाने से ग्रसनी, मुंह का या गले का कैंसर आदि गंभीर बीमारियां जन्म ले लेती हैं। अधिकतम चेहरे के अंदर का कैंसर जिसे माउथ कैंसर कहते हैं, 90% मामले तंबाकू की वजह से होते हैं। अब चलिए जानते हैं कि पर्यावरण पर तंबाकू का क्या असर पड़ता है। तंबाकू से जितना नुकसान हमारे शरीर को है उतना ही हमारे पर्यावरण को भी है। यह सच है क्योंकि तंबाकू की खेती करने से मिट्टी की गुणवत्ता जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा वायु प्रदूषण और जैव विविधता को भी नुकसान होता है। तंबाकू मानव संसाधन के लिए साथ साथ हमारे देश की आय को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाता है। तंबाकू का निर्माण करने से जो गंदा धुआं निकलता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। तंबाकू का उत्पादन लगभग 90% विकासशील देशों में केंद्रित है और हर जगह पर इसकी खेती 3.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाती है। अब जानते हैं कि हर साल तंबाकू की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है। दुनिया में तंबाकू सेवन करने वाले लोगों की संख्या दूसरी सबसे बड़ी 268 मिलियन है और हर साल इसकी वजह से 8 मिलियन लोगों की जान जाती है। भारत में लगभग 27% लोग कैंसर की वजह से, जो कि तंबाकू से होता है, की वजह से मर जाते हैं। दरअसल हर साल भारत में कैंसर के लगभग 15 लाख नए मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप में संपन्न अमेरिका की तुलना करने पर भारत इस दर में कम आता है। भारत में जहां 1 लाख लोगों में से 100 लोगों में कैंसर पाया जाता है, वहीं अमेरिका में ये आंकड़ा 300 तक पहुंच जाता है। धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर को सालाना 7,333 मौतों का कारण बनाता है। धूम्रपान हृदय रोग से 33,951 वार्षिक मौतों का कारण भी बनता है। पुरुषों में मौत का खतरा बढ़ गया है। जो पुरुष धूम्रपान करते हैं उनमें ब्रोंकाइटिस की वजह से मरने का खतरा जो 17 गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि महिलाओं में इसका जो खतरा है वो 12 गुना बढ़ जाता है। 1960 से 1990 के बीच में महिलाओं में फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मौतों में 500% से अधिक वृद्धि हुई है। 1987 में फेफड़ों के कैंसर में स्तन कैंसर को पीछे छोड़ दिया और अमेरिका में महिलाओं में कैंसर होने वाली मौत का प्रमुख कारण बन गया। 2010 से 2014 के दौरान लगभग 2,82,000 महिलाओं की मौत का कारण जो है वो फेफड़ों का कैंसर बना। तो वर्ल्ड नो टम्बैको डे पे हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी और कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।